जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट रवि सोमवंश। ये लाइंस तो आपने भी सुनी होंगी। तो आज की हमारी कहानी बेस्ड है इसी बात पर कि क्या आपकी भी रईसी नई नई है। तो ज्यादा वक्त वेस्ट ना करते हुए मैं सुनाता हूँ आपको कहानी। एक लड़का था जिसने बहुत मेहनत कर MBA की डिग्री कंप्लीट की। एक अच्छी कंपनी में इंटरव्यू के बाद उसका सिलेक्शन भी हो गया। आज पहला दिन था, उसको कंपनी में बुलाया गया और उसको HR द्वारा उसका कैबिन दिखाया गया। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, उसको अपने आप पर प्राउड फील हो रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। जब HR चला जाता है, वो अपने कैबिन में जाता है, वो पूरे कैबिन को देखता है। उसको बहुत अच्छा लगता है कि उसकी मेहनत रंग ले आई है और उसको आज ये कैबिन मिला है। जॉब के साथ साथ उसको उसका पर्सनल कैबिन मिला है। वो अभी अपने कैबिन को देख ही रहा होता है कि बाहर दरवाजे पर नॉक होती है। एक साधारण सा आदमी दरवाजे पर नॉक कर रहा था और उससे अंदर आने की परमिशन मांग रहा था। वो लड़का उस साधारण से आदमी को कैबिन में आने से मना कर देता है और कहता है आधा घंटा वेट करिए। आधा घंटा वेट करने के बाद जब वो आदमी दोबारा नॉक करता है, उसको कैबिन में आने की परमिशन दे देता है। वो लड़का बहुत हम्बल बैकग्राउंड से था। आफ्टर ऑल ऑफ दिस, उसकी मेहनत के बाद उसको ये पहली जॉब मिली थी। पर फोन पर वो कुछ इस तरह से बात कर रहा था कि जैसे वो लाखों का बिजनेस हैंडल करता हो, और बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था वो साधारण से व्यक्ति के सामने जो अब उसके कैबिन में खड़ा था और उसकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद, अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के बाद, उसने साधारण से व्यक्ति को पूछा, बताइए आप इस कैबिन में क्यों आए हैं। वो आदमी बड़े ही विनम्र भाव से उस लड़के को कहता है कि साहब, जिस फोन पर आप बात कर रहे हैं, मैं इसी फोन को रिपेयर करने आया हूँ। मुझे पता लगा है कि ये फोन पिछले एक हफ्ते से खराब है। वो साधारण से आदमी की इतनी सी बात सुनकर शर्म से लाल हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि जिस साधारण से आदमी के सामने वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की कोशिश कर रहा था, उस पर इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा था झूठ मूठ फोन पर बात कर, वो साधारण सा आदमी उसका सच समझ चुका है और फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि उसे शर्मिंदगी ना महसूस हो। वो शर्म से लाल होकर उठता है और कैबिन से बाहर चला जाता है। सो दोस्तों, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? आप हार्ड वर्क करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप बहुत सारी अचीवमेंट्स अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं, उस पर प्राउड होना बुरी बात नहीं। अपने आप पर प्राउड करना, अपने आप पर अभिमान करना बुरी बात नहीं है। पर हाँ, अपनी उसी अचीवमेंट को अगर हम अपना अभिमान बनाकर किसी और को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो गलत है। वो स्वाभिमान नहीं, वो अभिमान बन जाता है। शोर सिर्फ सिक्के मचाते हैं, कागज के नोट नहीं। तो अगर एग्री करते हैं आप भी मेरी इस बात से, तो फिर से दोहराऊंगा वो दो लाइनें, जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। तो दोस्तों, अगर एग्री करते हैं मेरी इस बात से और पसंद आई आपको ये स्टोरी, सब्सक्राइब एंड लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट रवि सोमवंशी, signing off now from this video blog, Rethink Motivation.